मैं कैसा दिख रहा हूँ देखना तो। अरे वाह, ये मेरा न्यू वाइज़र है। सो आई बॉट इट फ्रॉम ऑनलाइन बिकॉज आई कुडंट फाइंड थ्रू ऑफलाइन शॉप्स लाइक चोपड़ा ऑटोमोबाइल्स फ्रॉम करोलबाग। सो आई हैव टू गो ऑनलाइन फॉर दैट। ओके, बड़े दिनों बाद। आई कैन टर्न लेफ्ट। यस, सो वेलकम बैक टू Mvisual फिल्म्स। और मैं ये वीडियो डालूंगा कि नहीं डालूंगा मुझे ये पता नहीं, लेकिन मैं डालूंगा तो बहुत दिनों बाद डालूंगा, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे तो मैं ना राइड पे गया ना ही मैंने बाइक चलाई। और जब मैंने बाइक चलाई तो मुझे एहसास हुआ कि दिस बाइक नीड टू गो सर्विस सेंटर फॉर सर्विस पर्पज। सो आई एम गोइंग देयर। ओ येलो येलो येलो, आई कैन गो, थैंक यू। तो ये वीडियो प्रोबेबली इस बाइक के ऊपर है, क्योंकि इसकी सर्विस होनी बाकी है और मैं उसको, जैसे कि मीटर में दिख रहा है 16,000 चला लिया, और इसको अभी शायद 1.5 साल हो गया है। और मैंने इसका लास्ट इंजन ऑयल चेंज कराया था, कब कराया था भूलिया, उसकी मैंने, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी, वो बनाई थी मैंने शायद 10,000 पे। सो मैंने 10,000 पे इसका इंजन ऑयल चेंज कराया था और अभी तक ये चल रही है। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ एक जगह आ रही है, वो है इसका वाइब्रेशन बढ़ गया है। और स्मूथनेस जो कि R15 है, सिर्फ कंफर्टेबल और स्मूथनेस के लिए फेमस नहीं, मतलब प्रॉब्ली वैसी थी जो भी हो यार। तो हाँ, तो मैं उसके लिए जा रहा हूँ सर्विस सेंटर, तो मैं सीधा मिलूँगा सर्विस सेंटर पे। बहुत गर्मी है, इट्स सो हॉट। 12:14 इज द टाइम। काम उड़ेगा भाई, बड़े दिनों बाद जब बाइक चलाओ ना तो मज़ा अलग आता है। 13,000 सब्सक्राइबर के बाद मैंने एक भी वीडियो नहीं डाली, कम से कम उसको 1 महीना हो गया। और उस बीच में मुझे इन अबाउट 4 वीक्स आई गॉट 400 सब्सक्राइबर, मोर देन 400 सब्सक्राइबर, विच इज़ ये अमेजिंग फॉर मी। अमेजिंग क्या मतलब, मेरे को वीडियो डालनी चाहिए लेकिन मैं क्या बताऊँ, आई एम सो लेजी। गिव मी साइड। हेलो सर, सर अंकल भाई रुक जा, अरे मैं बड़ा ही बावला। अब क्या स्कूटी की रेस चल रही है क्या? ओ माय गॉड, यू आर टू फास्ट। टेरिफिक ट्रैफिक, एंड व्हाई टेरिफिक ट्रैफिक, टेरिफिक ट्रैफिक। चलियो मत आ गया, अबे रुक, जान दे पहले। और मैं हमेशा अपनी बाइक की सर्विस जहाँ से मैंने बाइक ली थी वहीं से कराता हूँ, मतलब यामा के सर्विस सेंटर से, क्योंकि अगर मैं बाहर से कभी कराता हूँ और कोई पार्ट ख़राब हो गया तो वो बाहर वाले जेन्युइन पार्ट नहीं डालते हैं, और जब जेन्युइन पार्ट नहीं डलता तो बाद में प्रॉब्लम देता है। सो टू अवॉइड दैट आई एम स्टिक टू यामा सर्विस सेंटर। यस,
मुड़ने भाई मुड़ने दे। बात हो गई है। और म्यूजिक सिस्टम भी लगा है, लगा है ना? कितने का ये हेलमेट बड़ा? हेलमेट अलग के लिए अलग। हाँ हाँ, दोनों को पूरा सेट कितने बड़ा? एक कस्टमर ऐसा सेट बनाया था उसने। हेलमेट है ये आपका 6000 का। हाँ, ये 30000 का है। 3000 का? 30000 30 6 36 और ये ट्रैफिक पुलिस सर बोलते नहीं इसमें कुछ? ट्रैफिक पुलिस बोलेंगे नहीं कि आपने पूरा सिस्टम लगा रखा है? म्यूजिक सिस्टम बोले पता ही नहीं हैं। बाकी शौक भी तो कुछ होता है। एक ही तरफ है ओके। सो फाइनली सर्विस हो गई है बाइक की, और मैंने कम से कम मतलब मैं बाइक दे के चला गया था सब कुछ मतलब समझा के, और जो जो मुझे पार्ट्स चेंज कराने थे या जो जो मुझे कराना था वो सब मैंने लिखवा दिया था, मतलब बता दिया था। तो इसमें जो पहले इंजन ऑयल डला था वो डला था मोटोल का, और हर बाइक का एक इंजन ऑयल का ग्रेड होता है। तो यामा के इंजन ऑयल का ग्रेड है 10W50, और मोटोल का जो इसमें पहले डला था वो था 15W50। अभी जो मैंने सर्विस कराई है वो 16000 मतलब 16500 के बीच में कराई है, और इससे इसकी लास्ट सर्विस थी वो थी 10000 पे, 10000 पे। जो अभी मैंने इसमें पार्ट्स मतलब चेंज कराए हैं, मतलब जो इसमें अभी प्रॉब्लम आ रही थी कि वाइब्रेशन, और ये हाँ, और ये पेड सर्विस थी, और पेड सर्विस में मतलब सर्विस चार्ज वगैरह लेबर चार्ज सब कुछ लगता है, और जो फ्री 6 सर्विस मिलती है उसमें नहीं। और इसमें मैंने सबसे पहले तो इसका वाइब्रेशन प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया था, तो मैंने वाइब्रेशन इसकी सही कराई, वो वाइब्रेशन इसकी वजह से आ रही थी, और चेन ढीली हो जाती है उसकी वजह से वाइब्रेशन होती है, तो उसकी वजह से वाइब्रेशन हो रही थी। और मैंने इसमें इसका क्लच हार्ड था, गियर्स हार्ड हो गए थे, तो सब में ऑयलिंग कराई है। और ये जो बॉक्स दिख रहा है इसमें भी इसका मतलब चेक कराया है, ऑयल जो भी डलता है इसमें। स्पार्क प्लग नया डलवाया, और एयर फिल्टर भी ख़राब हो गया था, एयर फिल्टर चेंज हुआ है, और चेन ल्यूब जो कि हर सर्विस में होती है। तो मतलब जब मैं सर्विस पे बाइक देने गया था तो सब कुछ मैं लिख के गया था कि क्या क्या सर्विस में होना चाहिए, और सारी नॉलेज लेके गया था मैं, वरना आप ऐसे सर्विस सेंटर में बाइक दे दोगे वो कुछ भी कर देते हैं और आपको पकड़ा देते हैं बाइक, और आपको इतनी पता भी नहीं लगता कि क्या करा है उन्होंने क्या नहीं करा, किस हिसाब से वो करते हैं। तो मैं मतलब एक प्रॉपर स्टडी करके गया था, करके नहीं मतलब मैं हमेशा ऐसे ही जाता हूँ, नॉलेज होनी चाहिए कि कितने ग्रेड का इंजन ऑयल डला है और क्या क्या बाइक में काम हो रहा है। तो जब ये बाइक नई थी तो बहुत स्मूथ थी, मतलब अच्छी चलती थी, लेकिन उसके बाद वो स्मूथनेस चली गई, ऑब्वियसली 16000 के ऊपर चल चुकी है। तो सोलह हज़ार के ऊपर चल चुकी है, तो स्मूथनेस अभी भी मतलब अभी मैं चला रहा हूँ, अभी सर्विस करके आई है, पहले से बेटर है, लेकिन वो फील अभी भी नहीं है जो मतलब जो नई बाइक में था, मतलब इतना वाइब्रेशन नहीं था, अभी भी कुछ वाइब्रेशन है मे बी। और हाँ, एक और बात जो कि मेन बात है वो है इसका रियर टायर, जो रियर टायर है इसका वो पूरा हो चुका है ख़राब, उसके वजह से मेरा ये हैंडल जो है वो जगल कर रहा है, तो उसको मैं चेंज कराऊँगा, शायद तब वाइब्रेशन रुक जाए,
और वो टायर की वो टायर मैं कल या आज में ही चेंज कराऊंगा। मैं मिशलिन का टायर दलाने जाऊंगा और शायद मैं उसकी भी वीडियो बनाऊं। बाकी बाइक पहले से बहुत बेहतर चल रही है और अभी अभी इसमें इंजन ऑयल डला है तो मैं इसको ज़्यादा स्पीड में नहीं लगा सकता, ज़्यादा चला नहीं सकता अभी जब तक ऑयल पूरा इंजन में चला नहीं जाता। आई होप कि ये वीडियो कंटिन्यू करूँ मैं कल अगर मैं टायर चेंज कराने गया। मेरा पेड सर्विस का खर्चा आया है वो आया है 2500, जिसमें स्पार्क प्लग, ऑयलिंग और चेन ल्यूब प्लस अभी जो पहले इसके क्लच, मतलब क्लच हार्ड था तो मैंने इसमें ऑयलिंग कराई है और गियर डालने में, गियर शिफ्टिंग में प्रॉब्लम हो रही थी तो वो अब सही हो गई है, वो ऑयलिंग की बात सही हो जाती है सब कुछ। सो अब बाइक पहले से बहुत सही चल रही है। ये वीडियो मैं एक इंफॉर्मेशन के लिए बना रहा हूँ कि अगर जिस जिसके पास R15 है, क्योंकि रिसेंटली मैंने देखा है बहुत सारे लोग मेरे बाइक के थ्रू आए हैं, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनके पास R15S है या उनको प्रॉब्लम आती है। तो जैसे कि मैं हमेशा सर्विस सेंटर से ही सर्विस कराता हूँ, 1.5 साल हो चुका है मुझे, जितनी भी मेरी प्रॉब्लम आई है या सर्विस हुई है वो सारी सबकी मैं वीडियो बनाता हूँ और अपने चैनल पर डाल देता हूँ। तो अगर आप, तो मैंने जैसे 10,000 जब मैं इसके 10,000 किलोमीटर हुए थे तो जब मैंने इंजन ऑयल पहली बार चेंज कराया था तो उसकी भी वीडियो मैंने डाल रखी है, बना रखी है, तो वो चैनल पे जाके देख सकते हैं। और बस इतना ही और कहता, बाकी मैंने टायर चेंज कराया तो उसकी वीडियो बनाऊंगा और लेट्स सी कल देखेंगे इसको और टायर चेंज कराने के बाद देखेंगे क्या सीन होता है। 6,000 किलोमीटर एवरेज में चलाओ ये, और ये सेम ही है, मतलब डिजाइन है लगे बस, ये भी ये इंडियन मंजर हो जाता है, ये लगाओ और खत्म कर दो। हां ये इसकी और 5 साल की वारंटी।